हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ मेरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। मेरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर्स हैं? बहुत सारे फीचर्स हैं, इसीलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं। सबसे पहला फीचर क्या है? फीचर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। पहला फीचर है जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के चार इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन एंड इशू ऑफ पॉलिसी। प्रपोजल की अगर हम बात करें मेरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में, तो जैसे मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है, उन्हें अपने कार्गो का हल्का, देखिए जो इंश्योरेंस होता है वो तीन चीज़ों का होता है। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि आप मेरिन इंश्योरेंस में या तो हल्का इंश्योरेंस करा सकते हैं, कार्गो का इंश्योरेंस करा सकते हैं, फ्रेट का इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो मिस्टर एक्स एक क्लाइंट है जिसे इंश्योरेंस कराना है, वो डायरेक्ट कभी भी अंडरराइटर या इंश्योरर के पास नहीं जा सकते, उन्हें ब्रोकर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और ब्रोकर क्या करेंगे? प्रपोजल लेकर के इंश्योरर के पास जाएंगे। जैसे कि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस एजेंट का होना बहुत जरूरी है, तभी आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। विदाउट लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आप किसी भी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आप आ नहीं सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा सकते। वैसे मैरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ब्रोकर का होना बहुत जरूरी है। ब्रोकर इंश्योरर से कॉन्टैक्ट करता है क्लाइंट के बिहाफ पे, वो प्रपोजल फॉर्म लेकर के फिल करके सारी डिटेल्स इंश्योरर को देता है। अगला पार्ट आता है एक्सेप्टेंस का। इंश्योरर क्या करेगा? अगर सारे टर्म्स कंडीशन सही लगे तो इंश्योरर एक्सेप्ट कर लेगा प्रपोजल फॉर्म। कंसिडरेशन की बात करें, अब इंश्योरर ये एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस का मतलब अभी पॉलिसी इशू नहीं की गई है। पॉलिसी कब इशू होगी? जब लीगल कंसिडरेशन पे किया जाएगा। मिस्टर एक्स जो थे वो इंश्योर्ड, अगर हम इंश्योर्ड अभी नाम दे दें, या आप क्लाइंट ही बोल सकते हैं। क्लाइंट जब तक इंश्योरर को लीगल कंसिडरेशन पे नहीं करेंगे, तब तक पॉलिसी इशू नहीं की जाएगी। सिर्फ प्रपोजल एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि पॉलिसी इशू कर दी गई। अब मिस्टर एक्स जो इंश्योर्ड हैं वो इंश्योरर को लीगल कंसिडरेशन प्रीमियम पे करेंगे, तो जो इंश्योरर है वो पॉलिसी इशू करेगा। तो ये पहला था फीचर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में बोल रहे हैं, देयर शुड बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। मेरिन इंश्योरेंस में अगर आप इंश्योरेंस करवाने के लिए जा रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हैं मेरिन इंश्योरेंस में, तो जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस करवाने के टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ लॉस आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो क्लेम लेने नहीं जाइएगा, तो क्लेम मिलेगा कहाँ से? इसीलिए लॉस के टाइम आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि आप क्लेम लेने जाएं और जो इंश्योरर है वो आपको पेमेंट करे, मतलब कंसिडरेशन दे, इंडेमनिफाई करे। अटमोस्ट गुड फेथ की बात करें, तो अटमोस्ट गुड फेथ जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की तरह है। अटमोस्ट गुड फेथ में क्या होता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड दो पार्टीज होती हैं। इंश्योरर मतलब जो कंपनी है, जो अंडरराइटर है, वो अपनी पॉलिसी के सारे टर्म्स कंडीशंस इंश्योर्ड को बताएगा, और इंश्योर्ड अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे मटेरियल फैक्ट इंश्योरर को बताएगा। इंश्योरर टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, और जो इंश्योर्ड है वो सारा का सारा मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करता है इंश्योरर को। कोई भी बात अगर दोनों में से किसी ने छुपाई, वॉइड एबिनिशो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब इंडेमनिफिकेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। जैसे दो पार्टीज हैं, इंश्योरर इंश्योर्ड, इंडेमनिटी इंश्योरर इंश्योर्ड को देता है। इंडेमनिटी का मतलब यह होता है कि इंश्योर्ड को अगर कोई लॉस हुआ तो इंश्योरर उसे इंडेमनिफाई करेगा, कॉम्पनसेशन देगा, ताकि इंश्योर्ड का को उस लेवल पे वापस ले आए जहां पे उसका कोई लॉस नहीं हुआ था। दिस इज इंडेमनिटी। सबरोगेशन इंडेमनिटी का एक सप्लीमेंट है। सबरोगेशन में कहते हैं कि जो इंश्योरर है वो खुद को इंश्योर्ड के जगह पुटअप कर देता है, खुद को इंश्योर के जगह खड़ा कर लेता है, और सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस खुद फेस करता है। कोई भी लॉस होगा इंश्योरर खुद फेस करेगा, इंश्योर्ड को कोई लॉस फेस होने नहीं देगा। सबरोगेशन का एक और मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मटेरियल चीज़ का लॉस हुआ, मेरिन इंश्योरेंस में किसी भी चीज़ का लॉस होता है, कोई भी डैमेज होती है चीज़, उसका जो ओनरशिप है वो, या टाइटल जिसे हम कहते हैं ओनरशिप या टाइटल, वो ऑटोमेटिकली इंश्योरर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ताकि कॉम्पनसेशन मिलने के बाद इंश्योर्ड उसका बेनिफिट ना उठा सके, उसे प्रॉफिट ना अर्न कर सके। और इंश्योरर के पास जब वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो इंश्योरर जो कंपनी है उसने जो भी इंडेमनिफाई किया है इंश्योर्ड को, अपने तरफ से पैसे जो पे किए हैं, उस लॉस, वो एक तरीके से इंश्योरर का लॉस है, उस लॉस की रिकवरी वो सबरोगेशन के थ्रू इंश्योरर करता है।
Sixth point is warranties. Warranty एक बहुत important topic है. Section 35 of Marine Insurance Act में warranties के बारे में बताया गया है. दो तरीके की warranties होती हैं, एक express warranty होती है, दूसरी implied warranty होती है. Express warranty written on the face of the policy. ये policy की face के ऊपर साफ साफ लिखी होती है, plus imposed some obligation, और उसमें कुछ obligations भी imposed किए हुए होते हैं. Implied warranty की बात करें, not expressly written but implied by nature, ये लिखा नहीं होता लेकिन it is understood by nature, implied by nature. तीन चीज़ें होती हैं इसमें, एक है सी worthiness of ship, second one is legality of the venture and C is others. अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं. पहला बोला गया सी worthiness of ship. सी worthiness of ship का मतलब जो ship है उसकी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि वो समुद्र की जर्नी कर सके, मतलब इस काबिल होना चाहिए. इट इज एन इंपॉर्टेंट वारंटी दैट द वेसल और द शिप शुड बी इन अ सी वर्दीनेस कंडीशन एट द कमेंसमेंट ऑफ द वोएज. अ शिप इज इन अ कंडीशन ऑफ सी वर्दीनेस इफ इट इज, एक जहाज तब सी वर्दीनेस की कंडीशन में होगा जब इट इज सूटेबली कंस्ट्रक्टेड, बहुत तौर तरीके से, मतलब तरीके से बनाया हो, कंस्ट्रक्ट किया गया हो. सेकेंड वन इज एडिक्वेटली इक्विप्ड, उसमें सारे के सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपर तरीके से हो. थर्ड वन इज़ वेल रिपेयर्ड, अगर कहीं पे कोई किसी तरीके का डैमेज है तो उसे प्रॉपरली रिपेयर किया गया हो. प्रॉपरली मैनेज्ड, तरीके से मैनेज किया गया हो, ये नहीं कि आपने एक तरफ बहुत ज़्यादा लोडिंग कर दी, दूसरी जगह कम लोड किया हो. फिफ्थ वन इज़ सफिशियंट फ्यूल्ड, उसमें फ्यूल भी होना चाहिए. सिक्स्थ वन इज़ केपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग द ऑर्डिनरी स्ट्रेन ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द वोएज, जो ऑर्डिनरी स्ट्रेन होता है, जो वोएज का एक स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है समुद्र के जहाज में, उसको स्टैंड, उसे फेस करने का विथ स्टैंडिंग केपेबिलिटीज होनी चाहिए. ये था सी वर्दीनेस ऑफ शिप. दूसरा है लीगैलिटी ऑफ वेंचर, जो आप सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आप कार्गो ट्रांसफर कर रहे हैं, वो लीगल नेचर का होना चाहिए. इलीगल या स्मगलिंग नहीं होना चाहिए. स्मगलिंग का मतलब इलीगल चीज़ें आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं. सेक्शन 42 ऑफ मैरीन इंश्योरेंस एक्ट, वोएज एंड एडवेंचर मस्ट बी लॉफुल एंड नॉट इलीगल. वोएज और एडवेंचर लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए. तीसरा अदर वारंटीज में कहा गया है नो चेंज इन वोएज. वोएज का मतलब होता है एक कंप्लीट राउंड, जैसे आपको कोई सामान इंडिया से, मान लीजिए श्रीलंका, तो इंडिया से जाना और लौट करके वापस आना, इसे एक कंप्लीट वोएज कहते हैं. तो अगर रूट ये डिसाइडेड है तो वो रूट चेंज नहीं होना चाहिए, ये वोएज चेंज नहीं होना चाहिए. नो डिले इन वोएज. अब इसके लिए टाइम ड्यूरेशन भी निर्धारित है, जैसे ट्रेन का टाइम ड्यूरेशन होता है कि 10 आवर्स या 12 आवर्स में इस जगह से इतनी जगह पे ट्रेन पहुंच जाएगी, वैसे समुद्र के जहाज का जो हल है उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है कि 2 महीने के अंदर वो इंडिया से श्रीलंका जाकर के श्रीलंका से लौट करके वापस इंडिया चला आएगा. एक एग्जाम्पल हम लेकर के चल रहे हैं. और अगर 2 महीने से ज़्यादा डिले होगा तो ये वारंटीज खत्म हो जाएंगी यहाँ पे. तो नो डिले इन वोएज. थर्ड वन इज नॉन डिविएशन. डिविएशन का मतलब रूट चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब अगर इंडिया से सीधा श्रीलंका जाना है तो इंडिया से अंडमान्स होते हुए श्रीलंका नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट श्रीलंका जाए अगर रूट वो डिसाइडेड है. डिविएशन हुआ, वारंटी खत्म. नो इम्प्लाइड वारंटी ऑफ नेशनैलिटी. कोई भी इम्प्लाइड वारंटी नहीं होती नेशनैलिटी की, क्योंकि इंडिया में जब रहेगा तो इंडिया का जहाज हो गया, श्रीलंका पहुंच गया तो श्रीलंका का जहाज हो गया. तो यहाँ इम्प्लाइड वारंटी नेशनैलिटी की नहीं रहती. फिफ्थ वन इज वारंटी ऑफ गुड सेफ्टी, या वारंटी रहता है सामान की सेफ्टी का, जो भी आप कार्गो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं. सेवेंथ वन इज प्रॉक्सीमेट कॉज. जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है प्रॉक्सीमेट कॉज. प्रॉक्सीमेट कॉज में बोला गया है कि यहां पे एक तरीके का इन्वेस्टिगेशन होता है. इन्वेस्टिगेशन में जो इंश्योरर है वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जिस रीजन से लॉस हुआ है, क्या वो लॉस जो रिस्क था, क्या वो इंश्योर्ड पेरल के अंदर कवर्ड था कि नहीं. अगर वो कवर्ड था तो कॉम्पनसेशन मिलेगा, इंडेमनिफिकेशन मिलेगा. अगर कवर्ड नहीं था तो किसी तरीके का कोई कॉम्पनसेशन या इंडेमनिफिकेशन नहीं होगा. एट वन इज असाइनमेंट. असाइनमेंट में बहुत दिक्कत आती है. दो तरीके का असाइनमेंट होता है, एक होता है असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी और एक होता है असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट. एक होता है असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी और दूसरा होता है असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट. एक इंपॉर्टेंट बात, असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट का एक पार्ट है. असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी तब होगा जब दो पार्टीज होंगी, एक है इंश्योरर, दूसरा है इंश्योर्ड. इंश्योर्ड प्रीमियम पे करेगा और ऑफर करेगा, पहले ऑफर करेगा
इंश्योरर एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद इंश्योर्ड प्रीमियम पे करेगा, तो यहाँ पे पॉलिसी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मतलब असाइनमेंट का शब्द का मतलब होता है पॉलिसी, सॉरी ट्रांसफ़र। तो असाइनमेंट में पॉलिसी का जो ट्रांसफ़र है वो तब होगा जब दो पार्टीज होगी, इंश्योरर इंश्योर्ड, इंश्योर्ड ऑफर करेगा, ऑफर को इंश्योरर एक्सेप्ट करेगा, इंश्योर्ड प्रीमियम भरेगा, तो इंश्योरर क्या करेगा, पॉलिसी ट्रांसफ़र कर देगा इंश्योर्ड के नाम पे। ये है ट्रांसफ़र ऑफ या असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है इज़ अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट में होता है कि जो इंटरेस्ट है आपका, जो सब्जेक्ट मैटर है उसका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होना। मतलब आप जब इंश्योरेंस कराने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसका आप इंश्योरेंस कराते हैं, उसका इंटरेस्ट मतलब असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को बचा करके रखें, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो ये वही कंडीशन है इंश्योरेबल इंटरेस्ट वाली, असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट है, आपका ये इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, इंश्योरर पर ट्रांसफ़र होता है। आप इंश्योर्ड हैं, आपका जैसे ही पॉलिसी ट्रांसफ़र होगा वैसे ही आपका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो इंश्योरर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसे हम कहते हैं असाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। नाइन्थ पॉइंट इज प्रीमियम एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम इन मैरिन इंश्योरेंस। प्रीमियम एक लीगल कंसिडरेशन है, हमको मालूम है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड क्या करेगा, इंश्योर्ड प्रीमियम पे करेगा किसको, इंश्योरर को, और प्रीमियम के बदले में रिटर्न ऑफ प्रीमियम इन मैरिन इंश्योरेंस जो इंश्योरर है वो रिटर्न क्या करेगा, पॉलिसी करेगा। इंश्योर्ड ऑफर देगा इंश्योरर को, इंश्योरर ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, तो इंश्योर्ड को प्रीमियम पे करना पड़ेगा इंश्योरर को, और इंश्योरर प्रीमियम के बदले में पॉलिसी ट्रांसफर करेगा। दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ प्रीमियम इन मैरिन इंश्योरेंस। टेंथ वन इज नॉन डेविएशन ऑफ वोएज। वोएज डेविएट नहीं करना चाहिए, डेविएशन इज अलाउड इन सर्टेन कंडीशन सच एज। डेविएशन कुछ सर्टेन कंडीशंस में अलाउड है। पहला बोला गया व्हेन इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मास्टर और क्रू या मास्टर के कंट्रोल से बाहर हो गया, तब डेविएशन हो सकता है। इफ अलाउड अंडर वारंटी, वारंटी के अंदर बोला गया है। तो अगला पॉइंट है डन फॉर द सेफ्टी ऑफ शिप कार्गो और ह्यूमन लाइफ। किसी की ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, कार्गो को बचाने के लिए, शिप को बचाने के लिए अगर किसी तरीके का डेविएशन है तो ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वारंटी की कंडीशन में रहेंगे। बैरेटरी, बैरेटरी का मतलब होता है इट इज़ अनलॉफुल और फ्रॉडलेंट एक्ट बाय द क्रू ऑफ द वेसल। जो वेसल के क्रू मेंबर्स हैं उनके द्वारा कोई अनलॉफुल या फ्रॉडलेंट एक्ट में अगर किसी को लॉस होता है तो ये वारंटी की कंडीशन में इंक्लूडेड है। नॉन डेविएशन के एक्सेप्शंस सेक्शन 51 ऑफ मैरिन इंश्योरेंस एक्ट 1963 में मेंशन किए गए हैं। क्या क्या एक्सेप्शन है, पहला बोला गया है ऑथराइज्ड बाय एनी स्पेशल टर्म इन पॉलिसी। अगर पॉलिसी में एक्सप्रेसली, देखिए वारंटी दो तरीके की होती है, एक एक्सप्रेस होती है एक इंप्लाइड होती है, अगर एक्सप्रेस फॉर्म में अगर ऑथराइज किया गया है डेविएशन तो आप डेविएट कर सकते हैं, आप अपना रूट चेंज कर सकते हैं। वेयर caused by, second point is where caused by circumstances beyond the control of master and his employees। कोई ऐसा circumstance जिससे जो master है या उसके employees control नहीं कर पा रहे हैं तो आप deviate कर सकते हैं route को। third one is reasonably necessary in order to comply with an express or implied warranty। reasonably necessary बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर express और implied warranty द्वारा बताया गया है। fourth point is reasonably necessary for the safety of ship or subject matter। शिप की सेफ्टी या सब्जेक्ट मैटर की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है रूट डेविएशन का, तो आप रूट डेविएट कर सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग ह्यूमन लाइफ, इंसान की जान बचाने के लिए आप रूट डेविएट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सिक्स इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग मेडिकल और सर्जिकल एड फॉर एनी पर्सन ऑन बोर्ड द शिप। कोई भी इंसान अगर शिप में है और उसे सर्जिकल एड मदद की ज़रूरत है किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए, आप अपना रूट डेविएट कर सकते हैं अगर उसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी है तो। सेवन्थ पॉइंट इज कॉज बाय द बैरेट्रियसली कंडक्ट ऑफ द मास्टर और क्रू दैट इज अनलॉफुल और फ्रॉडलेंट एक्ट बाय द क्रू ऑफ वेसल। अगर समुद्र में जा रहे जो क्रू मेंबर्स हैं या मास्टर्स हैं उन्होंने जानबूझ करके, जिसे हम बैटरी कहते हैं, बैटरियस कंडक्ट किया और आपके कार्गो को, जो कंटेनर्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वहां पे आप रूट डेविएट कर सकते हैं। आप वहां पे आपका जो वारंटी है वो इंप्लाइड रहेगा, आपको वारंटी पूरी की पूरी मिलेगी, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। वारंटी ऑफ सेफ्टी ऑफ गुड्स के कुछ एक्सेप्शंस हैं। पहला बोला गया है कि डेविएशन एंड डिले इज अलाउड इफ ऑथराइज्ड इन द पॉलिसी। अगर पॉलिसी में ऑथराइज किया गया है तो
डेविएशन किया जा सकता है, दूसरा डेविएशन और डिले वॉज ड्यू टू द सेफ्टी ऑफ शिप। वारंटी तब भी सीमित रहेगी जब, मतलब एप्लीकेबल रहेगी जब डेविएशन या डिले वॉज ड्यू टू द सेफ्टी ऑफ शिप की सेफ्टी के लिए या कार्गो के लिए या ह्यूमन लाइफ की सेफ्टी के लिए, तो वारंटी रहेगी। थर्ड वन इज डेविएशन और डिले वॉज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मास्टर और क्रू। डेविएशन या डिले मास्टर या क्रू के कंट्रोल के बाहर था तो भी वारंटी रहेगी। फोर्थ वन इज डेविएशन और डिले वॉज ड्यू टू बैरेट्री थिफ्ट पायरेट्स एक्सेट्रा। अगर हम पायरेट्स की बात करें तो आज के टाइम पे पायरेट्स नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर देश जिनके बाउंड्री समुद्र से लिंक होती है, जुड़ी हुई है, उनके पास नेवी है, और नेवी के होते हुए पायरेट्स दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं एक हिसाब से। पायरेट्स की कंडीशन पुराने ज़माने में होती थी। डेविएशन या डिले वॉज ड्यू टू बैरेट्रे, बैरेट्रे का मतलब जानबूझ करके नुकसान पहुंचाया गया है, थेफ्ट सामान चोरी हो गया या पायरेट्स एक्सेट्रा की वजह से, तो यहाँ पे वारंटी आपको मिलेगी। डेविएशन और डिले वॉज ड्यू टू मेडिकल और सर्जिकल एड फॉर एनी पर्सन ऑन बोर्ड, तो भी आपको वारंटी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको फीचर्स ऑफ मेरिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।